जय माता दी। मैं विक्रम सिंह राठौर द अनटोल्ड स्टोरी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं दूसरे चैप्टर से। आज का चैप्टर राजा ले जाया गया। महाराणा प्रताप जिनके बल और शौर्य से अकबर भी थर्रा गया, उस समय भारमल के पुत्र भगवंत दास जी इडर में ही थे। अकबर ने आदेश दिया कि महाराणा प्रताप को जीतो। भगवंत दास ने पत्र लिखा, आप स्वयं आए और महाराणा प्रताप की हार का आनंद लीजिए। वे चाहते थे कि अकबर को हल्दीघाटी में गिरकर मार दिया जाए, लेकिन अकबर ने जवाब दिया, जब मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा तब मैं आऊँगा। अकबर को अंदेशा लग चुका था कि भगवंत दास उसे मरवा डालना चाहते थे। भगवंत दास युद्ध में जाने से मना भी नहीं कर सकते थे। अगर मना करते तो अकबर अपनी सेना लेकर आमेर आ जाता। इसी बात को लेकर मान सिंह जी महाराणा प्रताप के पास गए थे कि अगर आमेर ने मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया तो दोनों ही नहीं बचेंगे। मान सिंह जी ने हमेशा हिंदुओं की रक्षा करने की सोची। हल्दीघाटी के युद्ध की बात अगर हो तो मान सिंह जी ने चित्तौड़ की प्रजा के किसी एक आदमी को भी नहीं लूटा। जब अकबर को ये भनक लग गई थी कि मान सिंह और भगवंत दास ने अकबर के लिए नहीं बल्कि अकबर के विरुद्ध हल्दीघाटी का युद्ध किया, तो वह पुनः स्वयं महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। युद्ध में आगे मान सिंह जी और भगवंत दास जी को रखा गया, जिससे प्रताप मरे या वो दोनों, फायदा अकबर को ही हो। परंतु इस युद्ध में प्रताप मिले ही नहीं। कछवाओं के कारण उन्हें सूचना मिल चुकी थी। इसके एक वर्ष पश्चात अकबर ने
उदयपुर पर एक मुसलमान अफसर के हाथों आक्रमण करवाया और मेवाड़ को जमकर लूटा, लेकिन प्रताप नहीं मिले। अकबर को पूरा विश्वास हो गया था कि मानसिंह और भगवदास ही महाराणा प्रताप की मदद कर रहे हैं। जब अकबर को मालूम पड़ा कि मानसिंह जी उसके विरुद्ध है, तो अकबर ने मानसिंह जी के साथ क्या किया ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ये इस कहानी का पहला भाग था और दूसरा भाग मैं जल्द रिलीज़ करूंगा। जय माता दी, जय राजपुताना।